हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक है, फिट है तो सब हेल्दी है ना? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में साइट मैप इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, इसके लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसमें साइट मैप कैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा साइट मैप के ऊपर में इंडेक्सिंग के ऊपर होने वाला, ठीक है। साइट मैप सबमिट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। साइट मैप कैसे सबमिट किया जाता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर रखा हो तो क्या होगा, मेरा जितना वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। पहले तो समझ लीजिए कि साइट मैप है क्या। जब तक आप साइट मैप सबमिट नहीं करेंगे, आप जितने भी आर्टिकल लिख लें, जितने भी कुछ भी वहां पे पोस्ट कर दे, ठीक है, अगर आपका साइट मैप सबमिट नहीं होगा तो गूगल सर्च कंसोल को पता करेगा, वेरीफाई कैसे करेगा वो, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कुछ चीज सर्च किया, ठीक है, अगर सर्च कंसोल में आपका साइट मैप सबमिट होगा, आपका जो वेबसाइट है वहां पे सबमिट होगा, इंडेक्स किया हुआ रहेगा, तो किसी ने भी कोई चीज सर्च किया है, अगर आपने उसके ऊपर में कोई आर्टिकल लिखा है, कुछ वीडियो बनाया है, तो गूगल सर्च कंसोल उस इंसान को उस आर्टिकल तक लेके आएगा, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए किसी दोस्त ने आपको कोई प्रोडक्ट भेजा है कहीं से भी, ओके, तो आपके यहां तक आएगा कैसे, जब तक उसके पास एड्रेस नहीं होगा। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने कुछ सामान भेजा, वो गूगल सर्च कंसोल तक आएगा, गूगल सर्च कंसोल को आपका एड्रेस पता होगा तो वो उसको आपके वेबसाइट तक लेके आएगा, ठीक है। दैट्स मीन जब वो सर्च करेगा, पहले आएगा गूगल सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल से आपके एड्रेस तक आएगा, ओके, क्लियर। सो टेंशन लेने का नहीं है, इस वीडियो को फॉलो कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपका पूरा जो क्लियर कर दूंगा आपका जो डाउट है, ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे, ओके। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको सिंपली जिस भी आपके जो भी आपका ब्लॉग है जिसको आप साइट मैप सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको उसी पे आ जाना, ठीक है। जैसे कि मैं इस पे देखिए, यहाँ पे मैंने 1 2 3, सो मैं इस वाले पे साइट मैप सबमिट करना चाहता हूँ, ओके, मुनीर सागर टेक्निकल ट्रैक, ओके, इस पे साइट मैप सबमिट करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको डैशबोर्ड में आना, आने के बाद में आपको नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना, ओके। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद में आपको सिंपली नीचे जाना है, ओके, देखिए नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन आएगा, ओके। जैसे ऐसा कर रहा हूँ वैसा वैसा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ऐसा कर रहा हूँ मैं वैसा वैसा आपको करना है, ओके। सिंपली आपको गूगल सर्च कंसोल में क्लिक करना है, ओके। इसके पहले वाला वीडियो जाके देखें, वहाँ पर रोबोट TXT कैसे आपको जनरेट किया जाता है वो सब भी करना आपको जरूरी है। सबसे पहले मैं बताऊँ तो इसका पहले वाला वीडियो जितने ब्लॉगर के वीडियोज हैं वो जाके देखिए, ठीक है। आपको कस्टम रोबोट TXT, ओके, जितने भी रोबोट TXT है उसको ऑन, कौन सा ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है, वो सब भी आप करके रखिए, वरना आपका यहाँ पे साइट मैप सबमिट नहीं होगा, आपका एरर दिखाएगा, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो, उसके पहले वाला वीडियो भी जाके आप देखिए कैसे मैंने वहाँ पे सेटिंग में जाके आपको पूरा सेटिंग किया है, कस्टम रोबोट TXT कैसे जनरेट करते हैं, उसके बाद कैसे वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जितना भी वहाँ पे होम पेज टैग्स है उसको कहाँ ऑन करना है, कहाँ कौन सा ऑफ करना है, कौन सा ऑन करना है, उसको ही मैंने वो सब अगर आप ऑन करके नहीं रखेंगे, वो सब सेटिंग करके नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आपका साइट मैप सबमिट नहीं होगा, साइट इंडेक्स भी नहीं होगा, आपका वो पूरा एरर दिखाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में बोलिएगा बट कि मेरा साइट मैप सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसका इसके पहले वाला 2-3 वीडियो जो है उसको देखिए, देखने के बाद में सेटिंग वाला जो ऑप्शन है उसको देखिए, उसके बाद साइट मैप आप कीजिएगा, ठीक है। उसके पहले साइड में मत की, पहले सेटिंग में जाके पहले कैसे सेटिंग करते हैं वो पहले पूरा जाके देखिए कि मैंने गूगल का सेटिंग वाला ऑप्शन है ऊपर से लेके नीचे तक कैसे सेटिंग किया है, उसके बाद आप साइड में पे इस साइड में बोला ऑप्शन पे आइएगा, ठीक है। वरना वहाँ पर अगर आपका आधा अधूरा सेटिंग होगा तो यहाँ पर साइड में सबमिट नहीं होगा, इंडेक्सिंग भी नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, फिर बाद में मुझे दोस्त मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगा तो आपको यहाँ से ऐड प्रॉपर्टी करना, ठीक है। पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ओके। देखिए जैसे ही ये पेज खुलेगा, खुलने के बाद में सिंपली आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ओके। जैसे आपको ये पेज खुलेगा, खुलने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके। आने के बाद में यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पर जाना होगा, ठीक है। जैसा कि मेरा यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ मैंने पहले से, मैं फिर से ऐड प्रॉपर्टी करता हूँ, ठीक है। ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद में ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का जो URL है वो देना, ओके, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपना जो वेबसाइट का होम पेज का URL है उसको यहाँ पे आपको
ऐड करना, ठीक है, यहाँ पे देना है। देने के बाद में देखें यहाँ पे डोमेन लिखा हो, यूआरएल प्रीफिक्स लिखा हो, ठीक है, अपना वेबसाइट का जो होम पेज का यूआरएल यहाँ पे देके आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे ऐसा दिखाएगा, आपको गो टू प्रॉपर्टी कर देना। ओके, करने के बाद में आपका यहाँ पे जो आपका यूआरएल है यहाँ पे सबमिट हो चुका। उसके बाद में सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है। आने के बाद में आपको जिस ब्लॉग का साइट मैप सबमिट करना है आपको उस पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे 3 है तो मुझे ये वाले पे करना है, तो मुझे इस पर क्लिक करना, ठीक है, मुझे इसका साइट मैप सबमिट करना, ठीक है। उसके बाद में इस साइट मैप पे क्लिक करूँगा, ठीक है। करने के बाद में देखिए यहाँ पे मेरा साइट मैप, मेरा जो होम पेज का यूआरएल है यहाँ पे आ चुका, मुनू रेसा का टेक्निकल ट्रैक blogspot.com। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है sitemap.xml, ओके, sitemap sitemap.xml, ओके। लिखने के बाद में आपको सिंपली यहाँ सबमिट कर देना है, ओके, ये साइट मैप आपका सबमिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ गॉट इट कर देना है, ओके। करने के बाद में आपको जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन में, ओके, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाइए। जाने के बाद में आपका जो होम पेज का यूआरएल अगर शो नहीं कर रहा है ऐसे मेरी तरह, तो आपका होम पेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, ओके। इस जगह पे जैसे पेस्ट कीजिएगा यहाँ पे रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, ओके। देखिए अभी मेरा कुछ ऐसा शो कर रहा है, ओके, लाइक डिस्कवरी दे नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिटेक्टेड, ओके। यहाँ पे इंडेक्सिंग अलाउड, यस, क्रॉल अलाउड, यस, ओके, दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी टिक किया हुआ नहीं है, ओके, नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जाऊँगा, ओके, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जाऊँगा। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना होगा, ओके, आप डेस्कटॉप साइट यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद में उसके बाद कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे एक बार क्लिक करूँगा, सो उसके बाद में इंडेक्स रिक्वेस्ट हो चुका है, ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ से गॉट इट कर देना है, ठीक है। गॉट इट करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल, ओके, इस पर क्लिक करना है। ये कुछ समय लेगा, ठीक है, 10-15-20 सेकंड जो भी लेगा, ठीक है, आपको नेटवर्क अच्छा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा देर रुकना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, ओके, मोबाइल यूजेबिलिटी पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, सो मेरा यहाँ पे साइट मैप सबमिट हो चुका है, ठीक है। इंडेक्सिंग भी मेरा यहाँ सबमिट हो चुका है, ठीक है, इंडेक्स भी हो चुका है मेरा, ओके फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी, मोबाइल यूजेबिलिटी पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, सो मेरा यहाँ साइट मैप सबमिट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया इजीली, मैंने जो स्टेप बताया है आपको ये स्टेप फॉलो करना, मगर इसके पहले वाला वीडियो जाके आपको पहले देखना होगा, ठीक है। मैंने ब्लॉगर का जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग मीन्स ऊपर नाम से लेके नीचे तक, आपको वहाँ पे नाम और डिस्क्रिप्शन जो लिखा होता है नेम से लेके नीचे तक का मैंने कैसे वहाँ पे सेटिंग किया है पहले वो जाके देखना, ओके। कस्टम रोबोट TXT कैसे ऐड किया जाता है, ओके, वहाँ पे आपको पेज टैग, ओके, आपको आर्चिव टैग्स कौन सा ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है, वो सब आपको वहाँ पे सेटिंग करना होगा। वो सब अगर नहीं करेंगे तो आपका यहाँ वाला ऑप्शन हो सकता है आपको एरर दिखाए, आप जितना भी कर लेंगे यहाँ पर आपका वो नहीं होगा, मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते, वीडियो पसंद आता है कम से कम लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े इन सब चीजों में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं ऐसे हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ, ठीक है, आप लोग की मदद करने के लिए। सो दिस इज मुनू रेसा का टेक्निकल ट्रैक चेकिंग आउट।